0.002 मिलीग्राम द्रव्यमान वाली 6 इलेक्ट्रॉनों की आवेश से मुक्त युक्त एक तेल की बूंद एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थिर लटकी हुई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो मिलीग्राम द्रव्यमान दिया, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, मास को एम से प्रदर्शित करते हैं, एम बराबर 0.002 मिलीग्राम। अब मुझे मिलीग्राम से किलोग्राम में ले जाना है, तो आपको पहले से पता है एक मिलीग्राम बराबर 10^-6, तो 0.002 × 10^-6। देखिए ये भी पॉइंट हटा दो, 1, 2, 3 घात बढ़ जाएंगे, तो 2×10^-9 किलोग्राम। यानी जो मिलीग्राम था उसको हम किस में ले गए, किलोग्राम में। अब ये पॉइंट हटाओ तो 1, 2, 3 घटे तो 6 और 3 कितने 9 किलोग्राम हो गए। अब देखिए क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन एन बराबर कितना दे रहा है, 6। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो हमारी दी है 6 दी है। इससे मुझे क्या करना है, Q का मान निकालना। Q बराबर सूत्र होता है Ne, N हमारा 6 दिया, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6×10^-19। तो 16×96 हो गए 9.6×10^-19 मात्रक होता है कूलाम। देखिए आपका इसका सूत्र जो होता है QE बराबर mg। तो E बराबर करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E निकालेंगे तो mg अपॉन Q। m का मान हमारा दिया हुआ है 2×10^-9। G का मान आपको पता है 9.8 होता है, अपॉन में 9.6×10^-19। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दो, अब 2 से काट दो, 2×8 = 18, 2×8 = 28, 16। 2 से काटेंगे तो 24 आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आया, ऊपर बचा हमारे पास 49 × अब देखिए 19 माइनस के ऊपर ये प्लस के हो जाएंगे, तो 19 में से 9 घटाएंगे मेरे पास 10 बचेंगे, किसकी प्लस की घात है, अपॉन कितना है 24 है। अब मुझे 24 का भाग 49 में देना है, 24 दूनी कितने हो गए 48, कितना बचा 1, भाग टूटे बिंदी, पॉइंट लगाओ एक 0 ना जाए, भाग टूटे बिंदी, 24×96 इतना ही छोड़ दो 2.04। तो 2.04×10^10 और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति कूलम। उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान व दिशा ज्ञात कीजिए जो अल्फा कण को संतुलित कर सके। अल्फा कण का द्रव्यमान यानी m बराबर हमारा जो दे रहा है 6.68×10^-27 किलोग्राम। आवेश जो q आपका दे रहा है वो 3.2×10^-19 किलोग्राम। देखिए आपको बता दें, अभी तो यहाँ मान लो आवेश दे दिया है, कभी कभी ऐसा होता है आवेश नहीं दिया होता है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6×10^-19 होता है, परंतु यहाँ पर क्या लगा हुआ है, अल्फा कण लगा हुआ है। अल्फा कण पर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं, तो इसका मान हो जाता है 2 का जब गुणा करेंगे तो
16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻¹¹। तो अभी हमने सूत्र लगाया, वही लगा दो, QE बराबर mg, तो E बराबर mg अपॉन Q। m का मान हमारा कितना दिया, 6.68 × 10⁻²। g का मान आपको पता 9.8, Q का मान जो दिया वो 3.2 × 10⁻¹¹। देखिए पॉइंट से पॉइंट हटा दो, अब इसे दो से काट दो, 16 आ जाएंगे, दो से काटें तो 4 × 8 = 18। अब ये 4 से काट दो, 4 × 16 आ जाएंगे, 4 × 4 यहां बचे 2, 4 × 6 = 24, 2 × 4 = 27, 28। अब आपको गुणा करना है 1.67 का 49 का गुणा, 9 × 7 = 63 आंसर लगी 6, 9 × 6 = 54, 6 × 7 आंसर लगी 6, 9 × 1 = 9, 6 = 15, 4 × 7 = 28 आंसर लगी 2, 4 × 6 = 24, 2 × 26 आंसर लगी 2, 4 × 4 = 2, 6, 3, 8, 11, 7 + 8, 2 अंक बाद पॉइंट। आपका आया 81.83। 19 के माइनस के ऊपर जाए किसके हो जाए प्लस के, 27 में से 19 जब घटाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, 8। अपॉन में 4 भाग दे दो, 4 × 2 = 8, 9000 भाग टूटे बिंदी पॉइंट लगा लो, 4 × 4 = 16, 2 × 4 = 20, बच्चे कितने यहाँ पर, 3, 4, 7, 28, 4, 5, 20, तो 20.4575·10⁻¹⁸ मात्र होता है न्यूटन प्रति कूलम। यदि इसको आगे बढ़ाना है आपको तो यहाँ लिख सकते हो 2.04 × 10⁻¹⁷। देखिए 4.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम, परमाणु का एक ऊर्ध्वाधर विद्युत क्षेत्र 1.0 × 10⁴ किलोग्राम की एक जल की बूंद को गिरने से रोकता है, बूंद पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो हमारा ये दिया विद्युत क्षेत्र E बराबर, वो हमारा दिया 4.0 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम। अब आवेश जो दिया किलोग्राम, एम दिया द्रव्यमान, वो दिया 1.00 × 10⁻¹⁴ किलोग्राम। अब पूछ रहा है आवेश, तो आपको सूत्र पता ही, अभी लगाया था E बराबर सूत्र होता है एम जी अपॉन के, यानी क्यू ई बराबर एम जी अपॉन के। तो E बराबर, अब निकालना मुझे क्या है, क्यू निकालना है, इसके अपॉन में एक ले लो, अब क्या हो जाएगा, ई क्यू बराबर एम जी, तो क्यू बराबर एम जी अपॉन E। तो देखिए m का मान आपका दिया हुआ है 1.00 × 10⁻¹⁴, g का मान आपको पता है 9.8 होता है, और E का मान जो दे रहा है वो कितना है, 4.0 × 10⁵। तो देखिए पॉइंट से पॉइंट मत हटाओ, कोई वैल्यू नहीं, एक एक यानी 1.00 है, वो पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसे 4 से काट दो, 4 × 2 = 8, कितना बचा, 1 पॉइंट लगा लो, 4 × 6 = 16, 2 × 4 = 20, 2.45
इंटू 10 की पावर ये 5 है, प्लस के ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे माइनस के 9, और इसका मात्रक होता है कूलाम। नेक्स्ट देखिए, 500 न्यूटन प्रति कूलाम, तो ये हमारा क्या दिया, E बराबर 500 न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में। R बराबर हमारा दे रहा है कितना, 10 की पावर माइनस के 4 cm। cm को मुझे क्या करना है, मीटर में बदलना है, 10 की पावर माइनस के 6 मीटर हो जाएगा। अब कह रहा है जल की बूंद के आवेश की गणना कीजिए, तो E बराबर सूत्र होता है हमारा 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए E का मान हमारा दिया 500, इसका मान होता है 9.0 इंटू 10 पावर 9, और Q का मान जो है मुझे ज्ञात करना है, और R हमारी जो दी हुई है 10^-6। तो देखिए 500 9.0 इंटू 10 पावर 9 इंटू क्यू अपॉन 10^-12, इसके अपॉन में एक मान की क्रॉस मल्टीप्लाई 500 इंटू 10^-12, क्यू बराबर 500 × 10^-12 अपॉन 9.0 इंटू 10^9, 9×5=45, 5×6=9, यानी इतना ही आता रहेगा। तो क्यू बराबर 55.55 इंटू 12 9 कितने हो गए, 10 21। अब देखिए Q बराबर 5.6 लिखने का अधिकार है इंटू 10^-20 कूलाम।